नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान का मौजूदा सियासी परिदृश्य देखकर वो मशहूर पंक्तियां याद आती हैं कि सियासत कुछ इस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है जैसे सिसकियों का गम शहनाई छिपाती है। जी हाँ, जो राजस्थान की मौजूदा सियासी परिस्थिति है वो भी इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सरकार बचाने की कवायद में जुट गए हैं, तो सचिन पायलट दिल्ली से बैठकर इस बात की धमकी दे रहे हैं कि उनकी सरकार अब अल्पमत में है। यहां पर ये जो पूरा प्रकरण है ये कल शाम से तब और दिलचस्प हो गया जब सचिन पायलट कैंप की ओर से एक वीडियो जारी कर दिया गया। पायलट के ऑफिशियल ग्रुप में एक अधिकृत वीडियो जारी किया जाता है जिसमें जो पायलट के बाड़े के विधायक हैं वो देखे जा सकते हैं। उस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो तकरीबन 18 विधायक हैं जो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, दो चार अन्य लोग हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है। कुल मिला के माजरा पूरा साफ है कि जहां एक ओर अशोक गहलोत विधायकों को बचाने के लिए व्हिप जारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट विधायकों को तोड़ने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब सचिन पायलट आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वीडियो रूपी ब्रह्मास्त्र है वो सचिन पायलट ने क्या भाजपा के इशारे पर चलाया है? क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की विधायक दल का अब हिस्सा नहीं है? क्या सचिन पायलट ये तय कर चुके हैं कि उन्हें अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि आला कमान बार बार उनसे इस बात की गुजारिश कर रहा है या बार बार उनसे संपर्क कर रहा है कि जो भी उनकी जो भी नाराजगी है वो उनके समक्ष आकर जाहिर करें। क्योंकि कल शाम रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया था फेरामाउंट रिजॉर्ट के बाहर आके मीडिया से उन्होंने बातचीत कही की थी और उन्होंने कहा था कि ये घर की बात है, यदि किसी प्रकार के गिले शिकवे हैं तो सचिन पायलट आए, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन आपको बता दें कि पायलट कैंप के एक विधायक हैं मुकेश भाकर जो कि लाडनू से विधायक है, उन्होंने कल एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के बाद से जिस प्रकार की सियासत गरमाई, जिस प्रकार से अलग अलग उस ट्वीट के मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि वो ट्वीट था ही ऐसा। क्या था सबसे पहले हम आपको ट्वीट बताते हैं। दरअसल जो मुकेश भाकर हैं ट्वीट करते हैं, दो पंक्तियां लिखते हैं और लिखते हैं कि जब उसूलों पे बात आए तो फिर टकराना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में रहने का मतलब अशोक गहलोत की गुलामी है और वो अशोक गहलोत की गुलामी नहीं करना चाहते हैं। लिहाजा जिस प्रकार से एक के बाद एक जो पायलट कैंप के जो शागिर्द विधायक हैं उनके जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि जो पायलट गहलोत के बीच जो बार बार बात की जाती है कि पैचअप होगा वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो दोनों के बीच की जो दरार है वो अब बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पे फिर विश्वेंद्र सिंह की बात करते हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भी जो वीडियो कल शाम जारी किया गया पायलट के बाड़े से, उस बाड़े को मंत्री विश्वेंद्र सिंह रिट्वीट करते हैं और उसे अपना परिवार बताते हैं। सियासत में इतने संकेत काफी होते हैं समझने के लिए। अब बात करते हैं पायलट कैंप के एक और विधायक रमेश मीणा की। रमेश मीणा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बाय हुक बाय क्रुक किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के साथ हैं। मतलब साफ हो चुका है कि अब जो कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान कांग्रेस की जो लड़ाई है वो दो धड़ों में खुले तौर पर बढ़ चुकी है, जहां एक तरफ अनुभव तो दूसरे तरफ युवा की लड़ाई शुरू हो गई है। अब यहां पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचिन पायलट को आला कमान मना पाते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो इस टाइम पे है सचिन पायलट को खोना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर मौजूदा परिस्थिति में जिन हालातों का सामना कर रही है, लिहाजा ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है अपने तर्कस में सचिन पायलट जैसे तीर को संभाल के रखना। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के दामन को छोड़ा, वहीं अब सचिन पायलट इस कवायद में जुटे हुए हैं। यदि ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि इस कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो जाएगा।
हो सकता है कि अशोक गहलोत की सरकार नंबर गेम में अभी अव्वल हो, अभी ये सरकार को अल्पमत में ना आए, लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कुछ महीनों बाद बड़ा होगा, लेकिन जाहिर तौर पर बड़ा होना लाजमी है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिर सचिन पायलट की नाराजगी क्या है, क्योंकि जब से ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो शुरू होता है तो सचिन पायलट का ना तो कोई आधिकारिक बयान सामने आता है, ना ही सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब होते हैं, ना ही वो सोशल मीडिया में कुछ लिखते हैं। सबसे पहला मैसेज आता है सचिन पायलट का कि वो विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर कल दूसरा बैठक करवाते हैं, एक वीडियो ट्वीट करवाया जाता है पायलट कैंप की ओर से। तो जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो कल एक वीडियो जारी किया गया उसमें सचिन पायलट भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही ओर से अब शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जब विधायक दल की बैठक चल रही थी तब उन्होंने विधायकों, जहां पे मीटिंग चल रही थी वहां पे उन्होंने मीडिया के कैमरे को बुलाया था और तमाम विधायक उन्होंने दिखाए थे, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बताया था कि संख्या बल में वो अभी अव्वल हैं। लेकिन वही सचिन पायलट भी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, लिहाजा जो लड़ाई है वो अब पद प्रतिष्ठा से ज्यादा अब नंबर गेम की हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा सियासी परिदृश्य राजस्थान का चल रहा है वो वास्तव में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। और इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण पर इन्वॉल्व हो गई है और दिल्ली से तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह की कवायतें की जाने लगी हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो विहिप जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जो तमाम विधायक हैं वो शामिल हो जाएं विधायक दल की बैठक में, अन्यथा उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्या सचिन पायलट अब कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से सचिन पायलट की ओर से एक वीडियो जारी करवाया गया बाड़ेबंदी का, उसके बाद से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रही हैं। खैर, माना जा रहा है कि अगले जो कुछ घंटे हैं वो राजस्थान की सियासत के लिए बेहद अहम है और अगले कुछ घंटों में ही राजस्थान की सियासत की तासीर और तस्वीर दोनों तय हो जाएगी। लेकिन सवाल यही प्रश्न जो है वो यही बरकरार है कि क्या कांग्रेस पार्टी से सचिन पायलट रूठे रहेंगे या फिर घर उनकी वापसी हो जाएगी। दोस्तों, लगातार इस मामले पर हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। जो भी इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट होगा हम फौरन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।